और आदित्य रॉय कपूर ने आशिकी 2 नामक हिट फिल्म में साथ काम किया है। इस फिल्म के बनने के दौरान से ही दोनों के बीच रोमांस की खबरें आने लगी थी। बाद में दोनों अलग हो गए, हालांकि ओके जानू में दोनों ने साथ काम किया। इसी बीच फरहान अख्तर का नाम श्रद्धा के साथ जोड़ा गया। फरहान ने अपनी पत्नी अधूना को तलाक दे दिया और इसके पीछे कुछ लोगों ने श्रद्धा को जिम्मेदार बताया। फरहान और श्रद्धा ने रॉक ऑन 2 में साथ काम किया। हाल ही में महेश भट्ट ने अपने बैनर के 30 साल पूरे होने पर पार्टी का आयोजन किया। इसमें आशिकी 2 की टीम श्रद्धा और आदित्य को भी बुलाया। फरहान अख्तर भी वहां मौजूद थे। अचानक फरहान और आदित्य में विवाद हो गया। बताया गया कि श्रद्धा और आदित्य लगातार बात कर रहे थे, हंसी मजाक चल रही थी, ये फरहान से देखा नहीं गया। उन्होंने आदित्य को फटकार लगा दी। आदित्य भी चुप नहीं बैठे और उन्होंने भी फरहान को जवाब दे डाले। माहौल गर्मा गया था। ये देख श्रद्धा बीच में कूदी और उन्होंने दोनों को शांत कराया। इस घटना के बाद फरहान के घर श्रद्धा गई और उन्होंने अपना पक्ष रखने की भी कोशिश की।